हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की स्टडी करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न थी कि मैम हम नोट्स किस तरह से बनाएं, इसके लिए मैंने ये लेक्चर तैयार किया है आपका। एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे हिडन पॉइंट्स थे जिसके लिए एनसीईआरटी की डिकोडिंग की वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हुई है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को समझेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे स्टेट दैट देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंड दैट चार्जेस इज मेजर्ड इन कूलम। नेक्स्ट, स्टेट दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपल। इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चार्जेस होते क्या हैं, क्या चार्जेस किस तरह से रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का। दैट मीन्स हम जानते हैं जो मैटर होता है वो बना होता है एटम से, और एटम किससे मिलकर बने होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल जो कि हमारे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी किसी मैटर से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे हमने मैटर लिया है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। दैट मीन्स इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल द एटम इज इन न्यूट्रल स्टेट। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से ये कह सकते हैं कि जो हमारे चार्जेस हैं वो इंटरैक्ट करते हैं। सो, अगर हम, जैसे हमने देखा कि दो तरह के चार्जेस होते थे, कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव दैट मीन्स इनको हम कहते हैं लाइक चार्जेस। सिमिलरली नेगेटिव ये भी हमारा होता है लाइक चार्जेस। सेंस हमारा ये है कि जो आपका सेम टाइप का चार्जेस होगा वो होगा लाइक चार्जेस की कैटेगरी में, और अनलाइक दैट मीन्स अपोजिट टाइप की कैटेगरी, दैट मीन्स एक पॉजिटिव, नेक्स्ट वन नेगेटिव। सो, जो आपका लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब इन चार्जेस की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो इनकी यूनिट होती है, इनको मेजर करते हैं हम कूलाम में। अमाउंट ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कंसिस्ट करता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। इन अदर वर्ड, अगर हम कहते हैं एक कूलाम ऑफ चार्जेस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक छोटी से कैलकुलेशन के थ्रू हमने इसे दिखाया है, दैट विल बी 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे के टॉपिक को उठाते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग ये होती क्या है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, शो अंडरस्टैंडिंग दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग बाई रबिंग इन्वॉल्व अ ट्रांसफर of electrons. Next, describe the experiment to show electrostatic charging by induction. ये दो questions आपके important questions हैं। So first हम देखेंगे charging, हम किसी भी matter को किस तरह से हम charge करते हैं। So we can charge various object by different method. जब भी हम charges या किसी object से प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि हम चार्जेस से अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो हमें क्या लॉस करना होगा, क्या हम लूज करेंगे प्रोटॉन को या फिर इलेक्ट्रॉन को। सो आंसर इसका रहेगा, हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। आंसर क्यों, क्योंकि जो मास प्रोटॉन का होता है वो होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg, जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.109 × 10⁻³¹ kg। सो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 टाइम्स स्मॉलर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। सो जब भी अगर हम इसे एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, जबकि प्रोटॉन नहीं मूव कर पाता। तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसको हम बहुत कम एनर्जी के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाउ कितनी तरह के हमारे पास बॉडीज़ होती हैं। सो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, नेक्स्ट कंडक्टर होता है। अब इनमें हम देखेंगे किस तरह से चेंजमेंट मिलते हैं। सो अगर हम
इंसुलेटर की बात करते हैं तो मोशन, अगर हम जब भी चार्ज पार्टिकल की कराने चाहते हैं, दैट मीन्स तो चार्ज पार्टिकल जो आपके होंगे वो इंसुलेटर में मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं, दैट मीन्स इसमें फ्री चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो इंसुलेटर में किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराई जा सकती है, जबकि कंडक्टर में यस। मेथड ऑफ चार्जिंग की अगर हम बात करते हैं तो इंसुलेटर में हम रबिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स फ्रिक्शनल मेथड। कंडक्टर्स में हम इंडक्शन का मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो ग्लास, सिल्क, परस्पेक्स, वूल, जबकि कंडक्टर्स में कॉपर, स्टील, फ्लूइड विथ मोबाइल चार्जर्स पार्टिकल। मोबाइल दैट मीन्स जो पार्टिकल्स मूवेबल होते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इंसुलेटर में, तो इसको भी देख लेते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और इंसुलेटर, सो यहाँ पर एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है बिफोर एंड आफ्टर का। बिफोर रबिंग हमने क्या लिया, दोनों बॉडीज न्यूट्रल ली हैं, ओके। ड्यूरिंग रबिंग कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फर से, यहाँ पर हमने दो चीज़ें ली हैं, एक न्यूट्रल फर लिया था और एक न्यूट्रल रॉड ली थी। रब करने पर जो फर में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस रॉड पर। अब अगर रॉड की बात करते हैं तो रॉड नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम उस पर क्या करें हैं, हमने उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस दे दिए हैं जिसकी वजह से वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है। जबकि फर अगर वो क्योंकि हमारी जो ये चीज़ें होती हैं, दैट मीन जो चार्जेस होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, तो हमारा जो फर है, अगर आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो हमारा जो फर है वो किस तरह का चार्ज गेन कर लेगा, पॉजिटिवली चार्ज गेन कर लेगा। तो फाइनली क्या मिला हमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो रॉड में गए हैं वो हमेशा सरफेस पर होंगे, कब, जब उनको हमने रब किया है। दिस इज़ बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव फ्रीली इन इंसुलेटर्स। रीज़न क्या होता है इस पर जाने का सरफेस पर, बिकॉज इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनसाइड फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो सरफेस पर रह जाते हैं। कुछ यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, जैसे अगर हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ में तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगी जबकि सिल्क नेगेटिवली। ये पूरा चार्ट बनाया गया है रबिंग प्रोसेस पर, दैट मीन्स फ्रिक्शनल प्रोसेस पर। अगर हम फर को एबोनाइट रॉड पर रब करते हैं तो फर हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा जबकि एबोनाइट नेगेटिवली चार्ज होगी। सिमिलरली परस्पेक्स रॉड जो हमारा होगा, अगर वूल के साथ हम रब करेंगे तो परस्पेक्स रॉड पर पॉजिटिवली चार्ज आएगा जबकि वूल पर नेगेटिवली चार्ज। वूल और पॉलीथीन को रब करने पर वूल पर पॉजिटिवली चार्ज आएगा जबकि पॉलीथीन पर नेगेटिवली चार्ज आएगा। हेयर को रब करते हैं अगर हम रबर बलून पर, सो हेयर हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा जबकि रबर जो बलून है हमारा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन हम जो कि कंडक्टर के केस में है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।